बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने गोपालपुर में रोड शो किया और इसी दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जनसैलाब नहीं है, ये मेरा परिवार है, यही परिवार मेरी ताकत है। शिवराज ने कहा कि मैंने 29 सीटों पर प्रचार किया, यहाँ मेरी जनता मेरा प्रचार करती है। हम शिवराज जी से बात करते हैं, शिवराज जी से बात करते हैं, भारी जनता उमड़ रही है और चुनाव प्रचार में आप उत्साह दिखाई दे रहा है। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, यही मेरा परिवार है। हर जगह मामाई आस मामाई विश्वास के नारे, वो बहुत जोश में जनता, आखिर किस बार क्या लगता है सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जीत के? ये जनता जाने, लेकिन प्यार के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आशीर्वाद के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में ही मिशन पूरा 29 पूरा होगा, 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे हैं सभी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और आपको भीड़ और ये कारवां नजर दिखा रहा होगा, कितना भारी जन समर्थन उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 विदिशा। रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव सदालतपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान ने नुक्कड़ सभा की और इसी दौरान उन्होंने गांव के लोगों से अपना वोट जरूर डालने की अपील की। कार्तिकेय ने मतदाताओं से परिवार की तरह मिलकर महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रचार के दौरान पिता शिवराज के चुनाव का जिम्मा कार्तिकेय ने बखूबी निभाया है। देखिए मैंने जैसा कि मैंने कहा, सभी परिवार के सदस्य हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब हमारे अपने हैं यहाँ पर, और ये आज से नहीं है, हमारे पिताजी हमारे प्रत्याशी जी 40 साल से उनकी राजनीतिक तपस्या इस धरती पर रही है, सबको साथ लेकर उन्होंने काम किया है और आगे भी सबको साथ लेकर वो चलेंगे, और इसलिए विश्वास लोग करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा माहौल है, लोग जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ के विकास के लिए वोट देना चाहते हैं और वो हम उठते हुए देख रहे हैं। अशोकनगर में एक चुनावी सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मंच से संबोधन के दौरान सिंधिया ने पिछले 5 सालों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप लगा दिए, साथ ही चेतावनी दे डाली कि जब तक वे तब तक भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, राशन के दुकान पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा।